मैं सुष्मा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसके विरोध में लगातार युवा सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी का विरोध कर रहे हैं। बता दें, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन के बीच संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया, जिसके चलते रेल यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे की ओर से कई ट्रेनों को निरस्त किया। भारत बंद के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस के साथ स्टेशन एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया, सिटी साइड, कैंट साइड दोनों तरफ एकदम संयुक्त अभियान चलाया गया। सभी लोगों को ब्रीफ किया गया, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कहीं किस बात की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई, सभी सामान्य स्थिति है। और फिर भी लगातार हमारी नज़र है, बनी हुई है और हम लोग लगातार व्यस्त करा रहे हैं अपने स्टाफ से। खबर हरदोई से है, जहां सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के चलते एसपी और एसडीएम ने दल बल के साथ पैदल गश्त किया। वह भारत बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात रही और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए प्रयागराज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रयागराज जंक्शन सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तो वही रेलवे द्वारा यात्रियों को अफवाहों पर ध्यान न देते हुए कानून हाथ में न लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय के मुताबिक करीब 50 ट्रेनें निरस्त हुई हैं। विभिन्न जोनों द्वारा उत्तर मध्य रेलवे से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेनें आज की तारीख में प्रभावित हैं, निरस्त हैं और इनके जो भी यात्री हैं उनको फुल रिफंड का प्रावधान किया गया है। और साथ ही हम अपने स्टेशनों पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि भाई अराजकता में शामिल ना हो और लोगों को जन जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति, रेल की संपत्ति की हानि करने में शामिल ना हो। यह राष्ट्र की संपत्ति है, यह हम सबका नुकसान होता है। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गाजीपुर में आईजी, कमिश्नर, एसपी और एडीएम, रेलवे स्टेशन और रोडवेज की सुरक्षा का जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर समेत कई जिले स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भी आरपीएफ को मिला है, जिसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आईजी ने सत्यनारायण ने पत्र की जाँच के निर्देश दिए हैं। अग्निवीरों के द्वारा ये कॉल किया गया है जो गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का, और इनका कॉल के द्वारा ये भी बताया गया है बलिया, मऊ और इवन बिहार से भी कुछ लड़कों को यहाँ बुलाया गया है। तो इस सूचना पर जो है हम और कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब, सब लोग मिलकर हम लोग ये गाजीपुर रेलवे स्टेशन का चारों ओर फोर्स लगा दिया गया। और जो है हम जो गाजीपुर जनपद में जैसा गहमर हो गया, कहीं जो है जगह पर सईदपुर में भी, नंदगंज में भी, हर जगह जो है फोर्स लगा दिया गया और अधिकारियों को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव की दो सीटों पर, रामपुर और आजमगढ़ सीट पर 23 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर आज रामपुर कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि 23 तारीख को रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। करीब ये 72 कंपनी हमारे यहाँ सीएपीएफ मिली है, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे यहाँ लगभग 18 हज़ार का कुल इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल से लेके महिला कांस्टेबल से लेके एसआई से लेके 18 हज़ार का हमारा सिविल पुलिस का फोर्स है जो बाहर से आया है, जोन से आया अदर देन रामपुर। आप सभी अवगत हैं कि जनपद रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, जो कि 23 तारीख को प्रस्तावित है, और उससे जितनी संबंधित तैयारियां हैं वो पूरे हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा चुकी हैं। हमारे सभी जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में ही संपन्न करा ली गई थी, और उसके बाद में जो हमारा ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग की व्यवस्था होती है
और उसके अतिरिक्त मतदान दिवस के दिन और उससे पूर्व जो पार्टियां हमारे प्रस्थान करती है उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट की है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को गाजियाबाद पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। ईडी में राहुल गांधी की पेशी के विरोध में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था। प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होना था, उसके पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं राहुल गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार को गलत साबित करना चाहती है। दिल्ली में जंतर मंतर में सत्याग्रह हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता था लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहां जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। अग्निपथ योजना को किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं इसमें? अग्निपथ टोटली गलत योजना है, बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। खबर एरवा कटरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता और जिला उपाध्यक्ष अभय सेंगर के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अभय सेंगर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जिसमें पक्षपात नहीं होता है, सभी के लिए योजनाएं होती है। उज्ज्वला योजना जिसमें हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर पहुंचा, चाहे वो किसान निधि योजना हो, सभी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां बीते दिनों अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने चौकी में तोड़फोड़ की थी। साथ ही नेशनल हाईवे पर भी जमकर उत्पात मचाया था, जिसको लेकर एसपी और ग्रामीणों ने बुलडोजर के साथ दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देते हुए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पीएससी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। भारत बंद का अलर्ट था, जिसके लिए सभी जगह पर जो भी संभावित जगह हम लोगों के यहाँ है उस पर फोर्स लगाया गया है और लोगों से वार्ता की गई है। गाँव के प्रधान वगैरह इनसे की गई और जितने भी लोग हैं सभी को कहा गया है किसी भी तरह की अराजकता ना हो। फोर्स अलर्ट है और सभी मामला जो है शांत। क्या अभी तक कार्रवाई की गई है जो अलीगढ़ में उपद्रव हुआ? 3 दिन पहले हुआ था, उसी दिन उसको शांत कर दिया गया था। उसको मुकदमे दर्ज कराए गए थे, टप्पल थाना क्षेत्र में जांच कराए गए थे। उसके बाद जो कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में फैल रही थी उसमें मुकदमे और कराए गए। खबर बरेली से है, जहां इत्तेहादे मित्तल कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने लामिया मैदान में युवाओं के में सभा का आयोजन किया। वहीं अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के सिर्फ 1500 लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक होने की इजाजत दी, लेकिन इसके बावजूद मौलाना के ऐलान लामिया मैदान में 25,000 से भी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे। खबर रायबरेली से है, जवाहर चंद्रपुर में रुकनापुर में सोमवार को युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जब मामूली सी बात में विवाद हो गया और 4-5 युवकों ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। आज करीब सुबह 9:45 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसकी आलोक सिंह नाम है, रुकनापुर के रहने वाले हैं, उम्र करीब 25 साल रही होगी। घर वाले उनको अचेत अवस्था में लेकर आए थे और ये बताया कि कुछ मारपीट हुई थी। उसको जब चेक किया गया तो उन्नत अवस्था में पाए गए। हरचंदपुर में रुकनपुर गांव में एक आलोक नाम के व्यक्ति के साथ घटना हुई, उसके गर्दन पे चोट है जिसकी वजह से उसकी आदत मृत्यु हो गई। घटना के विषय पता करने में पता चला कि आज विवेक नाम का एक लड़का है, जो उसका रिश्तेदार भी है और मित्र भी है, दोनों साथ उठे बैठे थे। वो दोनों कहीं साथ जा रहे थे, रास्ते में कहीं से मौतों का विवाद हुआ, घटना के बाद से विवेक भागा हुआ है। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां एक बदमाश ने किराना व्यापारी विमल अग्रवाल के कर्मी राहुल गुप्ता को 8.77 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। जो राहुल गुप्ता ने बताया कि मैं जो बैंक के कैश काउंटर पर लाइन में लगा था और रुपए का थैला हाथ में था, अचानक से दो युवक आए और हाथ से रुपए का थैला लेकर भाग गए। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई।
खबर औरैया से है, जहां जनपद में फफून थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर सरैया में अचानक एक पुरानी दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक महिला और दो जानवर मलबे के नीचे दब गए, जिससे महिला और जानवर को गंभीर रूप से चोट आई, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। ये एक आकस्मिक दुर्घटना थी, तो इन लोगों को कुछ जो पीड़ित पक्ष है उसको कुछ आर्थिक सहायता मिली है। हम लोगों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से भी अब निवेदन किया है कि उसमें जो भी आवश्यक औपचारिकता है पूर्ण करके जो भी सरकार की जो वो है योजनाएं हैं उसमें जो लाभ मिल सकता है उसे दिया जाए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कोई ऐसी बात नहीं। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।